भाइयों और बहनों, साथियों और हम वतनों, हमारे सीमा पर जबरदस्त हमले चीनी फौजों ने किए हैं। सिक्किम चीन का है, इसलिए तुम लोग नथुला छोड़ दो, वरना 1962 वाला हाल करेंगे। हम नथुला नहीं छोड़ेंगे, because it's key to सिक्किम। ओबो गुआन, ओबो ये मार्चन सिचिन, मैं चलता हूँ अपना, तेज़ से तामर। आपने इतने अंदर आकर अड्डा खोलने की हिम्मत कैसे की? कैसे 1962 में की थी? 1962 ना है, 1967 है। समझा चीनी? देशभक्ति पर बनी फिल्मों को बनाने में महारत हासिल कर चुके जेपी दत्ता एक बार फिर अपनी पलटन लेकर हाजिर हैं। जेपी दत्ता जिन्होंने बॉर्डर बनाई, जिन्होंने एलओसी कारगिल बनाई, जिन्होंने रिफ्यूजी बनाई, अब एक बार फिर पलटन के साथ आ रहे हैं। जैसा कि इनकी देशभक्ति पर बनी फिल्मों में होता है, ये एक साथ कई एक्टर्स को स्क्रीन पर लाते हैं, वैसा ही इस बार भी है। वो तो फिल्म के नाम से ही जाहिर है कि जेपी दत्ता की पलटन काफी दमदार और शानदार है। फिल्म के पोस्टर्स रिलीज हो चुके हैं और पोस्टर्स में सभी किरदार का लुक सामने आया है। जैकी श्रॉफ, अर्जुन रामपाल, सोनू सूद, गुरमीत चौधरी, हर्षवर्धन राणे, श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा, ये सभी एक्टर्स फिल्म में दिखाई देंगे। भारत चीन युद्ध पर बनी इस फिल्म से सभी किरदारों के पोस्टर एक साथ रिलीज हुए हैं। कोई शक नहीं कि सभी अपने किरदार में शानदार नजर आ रहे हैं। आपको ये लुक देखने के बाद एक बार फिर बॉर्डर और एलओसी कारगिल की याद आ जाएगी। ये तो सभी जानते हैं कि 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ था। भारत की इस जंग में हार हुई थी। इसके 5 साल बाद चीन ने घमंड में चूर होकर फिर से इंडिया पर हमला किया। इस अचानक हुए हमले से भारतीय सेना हिल गई, कई शहीद हुए, लेकिन फिर भारतीय सेना ने खुद को संभाला और इंडियन आर्मी की जवाबी कार्रवाई से चीन के हौसले पस्त हो गए। भारत ने जीत हासिल की। इसी असली घटना पर आधारित है जेपी दत्ता की पलटन। फिल्म 7 सितंबर को रिलीज होगी। आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे न्यू व्यूअर्स हैं इस वीडियो के, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से गाइस क्या होगा कि आपको मेरी नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलेगी, तो आप मेरी नई वीडियोस देख पाएंगे।